हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज कहानी है औलाद। आज की मम्मी सरला जी अपने इकलौते बेटे के विवाह से बेहद खुश थी। पवन और उसकी मम्मी सरला जी के अलावा परिवार में कोई भी नहीं था। पवन के पिता का कुछ वर्ष पूर्व एक एक्सीडेंट में देहांत हुआ था। पवन प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। उसका वेतन भी बहुत ज़्यादा नहीं था, हाँ बस गुजर बसर चल जाती थी। पवन और निशा का विवाह पूरे रस्मों रिवाज से हुआ और सरला जी के घर खुशियों का आगमन हुआ। निशा भी एक साधारण घर परिवार से ही थी। उसे अपने घर में ही कम वेतन में गुजर बसर करना आता था, इसीलिए उसको भी कम वेतन से कुछ परेशानी नहीं थी। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी और इसी तरह उन तीनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। और ऐसे ही दिन बीतते गए और उनकी शादी को 2 साल बीत गए थे। सरला जी उन दोनों से अक्सर बच्चे के लिए कहती रहती थी, लेकिन निशा और पवन भी इसी बात को लेकर चिंतित थे। उन्होंने एक बार डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने दोनों की जांच की थी। जांच में पता चला कि पवन में ही कुछ कमी है, जिस वजह से अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। लेकिन यह बात वो माँ को नहीं बताना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सरला जी निशा को बात बात पर ताने देने लगती। दादी बनने की चाह ने उनको अंधा बना दिया था। यह बात पवन को भी अच्छी नहीं लगती थी। पवन अपनी माँ को सब बता देना चाहता था, लेकिन निशा ने उसको अपनी कसम देकर ऐसा करने से रोक लिया था। पवन और निशा किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से सरला जी को इसकी वजह बतानी पड़ती और उनको तो अपना खून चाहिए था। तो इस बात के लिए वैसे भी वो कभी राजी नहीं होती। IVF पद्धति से कुछ हो सकता था, लेकिन उसमें काफी पैसा लगता और पूरी गारंटी भी नहीं रहती कि संतान हो ही जाए। ऐसे ही एक दिन पवन और निशा साथ में बाहर घूमने गए। वहां उनकी मुलाकात निशा के पुराने सहपाठी में रितेश से हो गई। रितेश और निशा साथ ही पढ़े थे। दोनों ने एक ही डिग्री कॉलेज से साथ में BA की पढ़ाई किया था। रितेश भी अपनी पत्नी रागनी और एक वर्ष के बेटे मोनू के साथ मार्केट आया था। रितेश के विवाह को भी लगभग 2.5-3 वर्ष ही हुए थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। कॉलेज में दोनों को साथ देखकर बाकी सब दोस्त उन दोनों की चर्चा करते रहते थे। ऐसा होना भी था, क्योंकि रितेश मन ही मन निशा से प्यार करता था। लेकिन निशा रितेश को सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। यह बात रितेश को भी अच्छे से पता थी और इसी कारण उसने निशा से कभी भी अपने प्यार के बारे में व्यक्त नहीं किया था। लेकिन निशा रितेश के मन की इस भावना को समझती थी, इसलिए वह उसकी भावनाओं की कद्र करती थी, लेकिन प्यार नहीं करती थी। आज इतने वर्षों के बाद निशा को देखकर रितेश पुराने ख्यालों में कहीं खो सा गया था। निशा ने कहा, रितेश इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड पवन हैं। तुम कैसे हो, कहाँ खो गए, अपनी पत्नी से हमारा परिचय नहीं कराओगे। इतना सुनते ही रितेश जैसे नींद से जागा और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, इनसे मिलो, यह मेरी वाइफ रागनी है और यह मेरा बेटा मोनू है। निशा को मोनू से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उसका भी मातृत्व जैसे जाग गया था। रितेश से रागिनी ने पूछा कि निशा भी हमारी शादी में आई थी क्या, तो रितेश ने बताया कि हमारी दोनों की शादी की तारीख आस पास ही थी, इस वजह से हम एक दूसरे की शादी में नहीं आ सके। रागिनी ने निशा से पूछा, तुम अपने बच्चों को साथ नहीं लाई। रागिनी की इस बात ने मानो निशा के जख्मों को कुरेद दिया था। लेकिन पवन ने बात को संभाल लिया और निशा की जगह जवाब देते हुए कहा कि अभी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर ले लिए और एक दूसरे को घर आने का न्योता देकर और शॉपिंग करके घर को वापस चले गए। पवन और निशा घर पहुंचे तो माँ ने नाराजगी भरे लहजे से उनसे कहा, घूम आए दोनों, घर के काम के लिए तो नौकरानी है ही घर में। पवन कुछ कहना चाहता था पर निशा ने रोक दिया।
निशा घर आते ही कामकाज में जुट गई। पवन निशा के पास आकर बोला, माँ भी बिना बात के ही तुम्हें डांटती रहती है। तुम तो घर का काम करके ही गई थी और वैसे भी तुम कहीं जाते भी कहाँ हो? हम बहुत दिनों बाद ही कहीं गए थे। तो निशा ने कहा, माँ जी को मुझसे बस एक ही शिकायत है, जब वो दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन निशा शाम के समय बाजार गई थी, वहीं रास्ते में उसको रितेश दिखा। वो अपनी कार में था और अपने ऑफिस से घर आ रहा था। उसने निशा को आवाज लगाई, निशा ने उसकी ओर देखा। रितेश अपनी कार से उतरकर निशा की ओर आने लगा तो निशा ने रुकने का इशारा किया और खुद ही उसके पास पहुंच गई। निशा बोली, रितेश यहाँ कैसे और कहाँ से आ रहे हो? रितेश बोला, मेरा ऑफिस इसी तरफ शिफ्ट हो गया है, तुम बताओ तुम कैसी हो? उस दिन के बाद तो तुमने कभी फोन भी नहीं किया। निशा बोली, बस यहाँ घर का कुछ सामान लेने आई थी। आओ बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन निशा ने मना कर दिया, कहा कि मेरा घर तो पास ही है, अपने आप चली जाऊंगी मैं। लेकिन उसके मना करने पर रितेश बोला, लगता है निशा अपने घर की चाय का खर्चा बचा रही हो। अब निशा के पास कोई जवाब नहीं था, सो उसके साथ घर ले जाना पड़ा। रितेश को घर का रास्ता तो उसने समझा दिया था, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि पवन ऑफिस से आया होगा या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो पता नहीं माँ जी क्या सोचेंगी और कैसे उन्हें समझाएंगी। बस इसी सोच में अचानक रितेश ने पूछा, कौन सा घर है तुम्हारा? तब निशा ने इशारे से उसे अपना घर दिखाया और घर के दरवाजे के पास रुकने को कहा। घर पहुंचे दरवाजा खटखटाया तो पवन ने ही खोला, वो ऑफिस से घर भी अभी आया था। पवन को देखकर निशा की जान में जान आई। रितेश को देखकर पवन ने उसको नमस्कार किया और निशा से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिल गए? निशा बोली, पहले अंदर तो आने दो रितेश को, फिर आराम से पूछते रहना। रितेश अंदर आकर बैठ गया और निशा रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी सरला जी ने निशा से पूछा, ये किसे साथ पकड़ के ले आई? उनकी बात सुनकर निशा बोली, ये मेरे कॉलेज के मित्र हैं, आज रास्ते में ही मिल गए और मुझे घर छोड़ने यहाँ आ गए। बहू की बात सुनकर वो बोली, अब हमारे घर की बहू हो, ये मर्दों से दोस्ती की कहानियाँ यहाँ मेरे घर नहीं चलेगी। पराए मर्दों से कोई दोस्ती नहीं होती, समझी? एक औलाद दे नहीं सकी और चली है मर्दों से दोस्ती करने। ये सब आवाजें बाहर कमरे में भी आ रही थी। ये बातें सुनकर पवन किचन में चला आया और अपनी माँ को शांत कराया। कुछ देर बाद रितेश तो चाय पीकर वहां से चला गया था, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल भी साथ लेकर चला गया था। उसको लग गया था कि निशा के साथ कुछ ठीक नहीं है। रितेश के जाने के बाद पवन की माँ अपनी माँ से बहस हो गई। उसकी सरला जी से कहा कि किसी मेहमान के आने पर तो शांत रहा करो, ऐसा अच्छा तो नहीं लगता है माँ। सरला जी पवन पर भड़क गई और बोली, जब देखो बहू की तरफदारी करता रहता है, एक बच्चा तो दे नहीं पाई, सर पे और बिठा कर रख लिया है इसे। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो यह हमारे पल्ले बंध गई। इससे तो अच्छा है इसको तलाक देकर दूसरा विवाह कर ले। इतना कहकर सरला जी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। इधर अपने कमरे में रोते रोते माँ बेटे की बहस निशा भी सुन रही थी, लेकिन अपने संस्कारवश कुछ नहीं कह सकी। फिर पवन भी निशा के पास आकर उसको समझाने और चुप कराने में लग गया। इधर रितेश भी कुछ परेशान सा चेहरा लिए अपने घर आ पहुंचा। रितेश को देखकर रागिनी बोली, क्या हुआ, कैसे मुंह लटका रखा है? फिर रितेश ने रागिनी को सारी घटना बता दी। उसकी बात सुनकर रागिनी बोली, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यह तो उनके घर का मामला है। लेकिन रागिनी की बातों से रितेश को चैन कहाँ मिलने वाला था। उसने अगले ही दिन निशा के पास फोन कर उसका हालचाल पूछा तो निशा ने उससे कहा, सब ठीक है। तो रितेश बोला,
लेकिन कल तो सब ठीक नहीं लग रहा था। इतना सुनकर निशा ने कल के लिए रितेश से माफी मांगी। रितेश ने उससे कहा, मुझसे मिलकर सारी बात बताओ कि परेशानी क्या है, माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी तुम पर। निशा ने कहा, तुम परेशान न हो, छोटी सी बात है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रितेश नहीं माना और कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आकर बात करता हूँ। इतना सुनना था कि निशा बोली, तुम घर मत आना, हम बाहर ही मिलेंगे। अगले दिन दोनों कॉफी शॉप में मिले तो निशा ने रितेश को अपनी सासू माँ के गुस्से और चिड़चिड़ेपन का कारण बता दिया, साथ ही टेस्ट और रिपोर्ट की बात भी बता दी। सब सुनने के बाद रितेश ने कहा कि इसी के स्पेशलिस्ट मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, तुम वो रिपोर्ट की कॉपी मुझे भेज देना, मैं उनको दिखा दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों को भी बुला लूंगा, तुम्हारी परेशानी का कुछ न कुछ हल निकालने का प्रयास करता हूँ। निशा घर वापस आ गई। शाम को पवन के आने के बाद उसने रितेश से मुलाकात की बात उसे बताई और रिपोर्ट भेजने के विषय में उसकी राय मांगी। पवन ने कहा कि पहले भी हमने जिन डॉक्टरों को दिखाया है उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे की संभावना IVF के द्वारा ही संभव है, लेकिन इसके लिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, फिर इस सबसे क्या फायदा है, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। पवन के लिए भले ही ये कोई बड़ी बात न हो लेकिन निशा को तो सरला जी के जलीकटी बातों का सामना करना पड़ता था, इसलिए निशा ने अगले दिन सब जांच रिपोर्ट रितेश को भेज दी। रितेश ने अपने डॉक्टर मित्र को सब रिपोर्ट दिखाई। उन्हें देखने के बाद उसने भी वही बात कही जो बाकी सब डॉक्टर कह रहे थे कि IVF ही इसका इलाज है। लेकिन निशा ने पहले ही रितेश से अपने हालात बयां कर रखे थे, इसलिए उसने डॉक्टर से कोई और रास्ता बताने का आग्रह किया। डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा कि एक उपाय हो सकता है लेकिन इसका मेडिकल साइंस से कोई सरोकार नहीं है। रितेश कुछ उत्साहित होकर पूछता है, वो क्या है? डॉक्टर बताता है कि मेरे पास लगभग 2 वर्ष पूर्व एक दंपति आए थे, उनका केस भी इसी के जैसा था, वे भी IVF नहीं करा सकते थे सो वो चले गए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपने एक परिचित डॉक्टर के क्लिनिक गया था मैं, वहाँ मुझे देखकर एक व्यक्ति ने नमस्ते किया, वो वही थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे, तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी गर्भवती पत्नी की जांच कराने आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि पैसों का इंतजाम हो गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी वैद्य से देसी इलाज कराया है। अब उन्होंने क्या इलाज कराया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी और पवन की बीमारी एक ही थी, उनमें शुक्राणुओं की संख्या काफ़ी कम थी, मेडिकल साइंस में उनको बढ़ाया नहीं जा सकता था, लेकिन जो देसी दवा उन्होंने ली हो शायद उन्हें बढ़ा दिया हो जिससे यह सब संभव हो सका। मैं उस क्लिनिक से उनका पता लेकर तुम्हें दे दूंगा, तुम उनको मिलवा देना। यह बात रितेश ने निशा को बताई, फिर निशा ने कहा वो पवन से इस बारे में बात करेगी, लेकिन पवन इन सब वैद्य हकीमों पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी निशा ने पवन को सब बात बताई, लेकिन जैसा निशा ने कहा था वैसे हुआ। पवन ने साफ साफ मना कर दिया, उसका कहना था कि मेरे पिताजी के देहांत भी इन्हीं वैद्य और हकीमों के चक्कर में ही हुआ है, उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी और वो अपना इलाज डॉक्टर से न कराकर वैद्य और हकीमों से कराते रहे जिससे उनकी जान चली गई। ये सब अपना पैसा बनाने के चक्कर में इंसान की जान से खिलवाड़ करते हैं, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। निशा ने रितेश को पवन का फैसला बता दिया और बोली, तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दो, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। रितेश ने निशा की बात तो सुन ली लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने डॉक्टर से उनका पता लिया और उनसे जाकर मिला।
उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार के गांव में कोई वैद्य है जो दवा देता है, चाहे पुरुष में कमी हो या स्त्री में, वो रिपोर्ट देखकर उनके अनुसार ही दवा देता है। रितेश के पास रिपोर्ट तो थी ही, वो एक दिन उनको साथ लेकर अपनी गाड़ी से ही उस वैद्य के पास चला गया। उस वैद्य ने रिपोर्ट के आधार पर रितेश को दवा का चूर्ण दिया था जो पवन को 2 महीने तक सुबह शाम देना था। अब दवा तो वो ले आया था, सो उसने निशा को मिलने के लिए बुलाया। पिछली घटना के बाद से निशा के घर जाने से वो कतराता था। जब निशा आई तो उसने उसको वो दवा देते हुए कहा कि पवन को दवा देने का काम तुम्हारा है, तुम उसको यह दवा सुबह शाम खाने में ही डालकर दे देना। सब कुछ ठीक रहा तो तुम उसको बता देना कि तुमने वो वैद्य वाली दवा उसको दी है। अगर दवा का असर नहीं होता तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। निशा को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, वो असमंजस में पड़ गई थी। एक तो पवन के बिना बताए दवा देना, दूसरी ओर सरला जी के ताने, वो इस कसमकस से निकल नहीं पा रही थी। यदि दवा का असर हो भी जाता है तो पवन को कैसे समझाना होगा ये भी नहीं मालूम था। लेकिन सरला जी के दिन ब दिन बढ़ते हुए तानों की वजह से निशा ने पवन को खाने में दवा मिलाकर देना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब पवन के अलावा सरला जी से भी छुपाना पड़ता था। इसी दिन बीतने लगे। रितेश भी निशा से फोन पे हालचाल पूछता रहता था। इन सब बातों को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक निशा को चक्कर आया और उल्टियां होने लगी। पवन डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उनको बधाई दी कि निशा माँ बनने वाली है। निशा तो इस बात से खुश हुई, लेकिन पवन सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो निशा के चरित्र पर शक करने लगा। पवन के चेहरे के हाव भाव देखकर निशा ने उसको सारी बात बताई। पवन ने उस समय तो उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। घर आकर उन्होंने माँ को खुशखबरी सुनाई। सरला जी यह खुशखबरी सुनकर खुशी में झूम सी उठी। निशा ने रितेश को फोन करके उसके किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन पवन अब रितेश को दिए जाने वाले धन्यवाद को अलग ही नजरिए से देख रहा था। अब वो उनकी दोस्ती पर शक करने लगा था। जहां सरला जी का व्यवहार निशा के प्रति मधुर होने लगा था, वहीं पवन का व्यवहार निशा के प्रति बदलने लगा था। वो निशा से अब पहले की तरह प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता था, बात बात पर निशा से झगड़ा करने लगा। निशा अब सास के तो करीब हो गई थी, लेकिन पति से उतनी ही दूर भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद निशा ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी सास बच्चे के जन्म से बहुत ही खुश थी, लेकिन पवन के मन में पल रहा शक उसकी खुशियों पर हावी हो चुका था। वो अंदर ही अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी बिटिया को भी देखने हॉस्पिटल नहीं आया। सरला जी अब निशा को अपनी पलकों पर बिठा कर रखती थी और खूब सेवा करने लगी। लेकिन निशा अब पवन को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। अब रोज रात पवन नशे में धुत घर आता और निशा से झगड़ा करता था। सरला जी भी पवन के इस बदले हुए रवैये से हैरान थी, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी के प्रति गलत व्यवहार करने पर अपनी ही माँ से लड़ बैठता था, वो अब रोज नशे में अपनी पत्नी निशा से झगड़ा करता था। एक रात पवन फिर नशे में घर आया और हमेशा की तरह दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। लेकिन अब उसने अपने मन में पल रहे सारे शक पूर्णतया जाहिर कर दिए और रितेश का नाम ले लेकर उस पर लांछन लगाने लगा। सरला जी भी वहां आ गई थी और पवन को डांटते हुए बोली कि बहू से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और अपनी बेटी को भी देखकर खुश नहीं रहता। इतना सुनकर वो अपनी माँ से बोला, जिस पोती को देखकर तुम खुश होती हो ना, वो तुम्हारा खून है ही नहीं, वो तो उस कमीने रितेश की है। इतना सुनते ही सरला जी ने अपने बेटे को थप्पड़ लगा दिया।
माँ को निशा की तरफ होता देख पवन ने माँ को अपनी जांच के विषय में बता दिया। वो बोला, डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार वो तो बाप बन ही नहीं सकता और ये बच्चा हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। बेटे के मुंह से इतना सुनते ही सरला जी ने अपनी बहू को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। निशा ने उनको सच्चाई बताने का प्रयास किया लेकिन वो अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अब सरला जी को तो अपने बेटे की कही हुई बात का ही भरोसा था क्योंकि उसने सबूत के तौर पर अपनी डॉक्टर जांच रिपोर्ट जो दिखाई थी। उसी समय निशा को बच्चे समेत उसके घर से निकाल दिया और पवन ने गुस्से में कहा कि वो कल ही उसको तलाक के कागज भिजवा देगा। अब किसी तरह निशा अपने घर आ गई। उसके माँ बाप भी गरीब ही थे। निशा ने उनको अपने आप बीती बता दी। अगले ही दिन पवन ने अदालत में तलाक की अर्जी दे दी। रितेश ने भी अगले दिन हालचाल पूछने के लिए निशा को फोन किया। रितेश से बात करते करते निशा रोने लगी। रितेश को उसने अपना सारा दुख बयां कर दिया। रितेश ने कहा, मैं पवन से मिलकर बात करता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन निशा ने उसको मना कर दिया, कहा कि अब वो किसी की नहीं सुनेगा। निशा के पास दो दिन बाद तलाक का नोटिस भी आ गया और उस तारीख पर सब वहाँ पहुँच गए। अदालत की कार्रवाई में रितेश भी निशा के साथ आया था। उसको आया देखकर पवन को गुस्सा तो आया लेकिन सबके सामने अपना गुस्सा पीकर रह गया और कुछ कह न सका। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो पवन ने तरह तरह के लांछन निशा पर लगाए और तलाक का कारण भी यही बताया कि यह बच्चा उसका नहीं है। जब निशा से पूछा गया तो उसने वैद्य का देसी इलाज वाली बात सबको बता दी, लेकिन अदालत में तो सबूत ही चलते हैं जो सुमन के पास नहीं थे क्योंकि कानून तो मेडिकल साइंस की ही रिपोर्ट मानता है। इस पर निशा के वकील ने कहा कि सबूत के लिए अदालत डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए तारीख दे दी गई और पवन का टेस्ट हुआ। अब अगली तारीख में टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही फैसला होना था। टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। तारीख के दिन अदालत में बताया गया कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा पवन का ही है और निशा ने जो कहा था वह सब सच था। अब इस रिपोर्ट को देखकर पवन आत्मग्लान से भर गया और अदालत से अपनी तलाक की अर्जी वापस लेने का अनुरोध करने लगा, लेकिन अब निशा ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि एक बार शक की दरार रिश्ते में आ जाती है तो वो कभी भी नहीं भरती। उसने अदालत से तलाक देने का आग्रह किया। इस तरह उन दोनों का तलाक हो गया। सरला जी और पवन अपनी गलती पर शर्मिंदा थे कि कैसे एक छोटे से शक के बीच ने उनकी खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निशा अब अपनी बेटी आरवी के साथ अपने मायके में ही रहने लगी। रितेश ने निशा की नौकरी लगवा दी ताकि वो अपनी और अपनी बेटी का जीवन यापन कर सके और कुछ दिनों में ही निशा अपने मायके में ही एक जमीन खरीद लेती है और वहीं पर अपना घर बनाकर अपनी बेटी आरवी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करें।